तो फ्रेंड्स आप लोग दर्शकों का हुजूम देख सकते हैं, कितने ज़्यादा जनसंख्या में भीड़ लगा हुआ है स्टेडियम में। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रॉफी है हरियाणा ले जाते हैं कि मथुरा, यही जो ट्रॉफी है NSCC कप की ट्रॉफी है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे टॉस हो चुका है हरियाणा वर्सेस मथुरा में, स्टार्ट होने वाला है कुछ ही पर। तो हम आ गए हैं आज फिर लालगंज की धरती पे NSCC कप, जो कि स्टेट लेवल क्रिकेट हो रहा था और हो रहा है, जो कि 10-14 तारीख से स्टार्ट था और 24 तारीख को आज का फाइनल मैच है, और जो कि 10 दिनों तक चलने के बाद दो फाइनलिस्ट मिल गए हैं, और दो फाइनलिस्ट जो है कि हरियाणा और मथुरा की टीमें हैं, जैसा कि आप लोग मैदान पर देख सकते हैं और दर्शक पूरा भरे हुए हैं। तो पता आज चलेगा कि कौन फर्स्ट और कौन सेकंड होगा। वैसे भी चैंपियंस में जो फाइनल में पहुंचते हैं उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं होता है। देखते हैं कैसे हरियाणा और मथुरा खेलते हैं, कौन फाइनल आता है, कौन 2.5 लाख रुपये का इनाम ले जाता है, कौन 1.5 लाख रुपये के इनाम। यहाँ इनाम की बात नहीं है, यहाँ है कि अब कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आता है। तो हम आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे, आप हमारे बीच बने रहिएगा। हरियाणा और मथुरा की टीम में टॉस हो गया है, जहाँ पर हरियाणा टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया है। क्या ये फैसला सही होता है आपको दिखाएंगे बैक कैमरे से। दर्शक आप लोग देख सकते हैं कितने स्टेडियम में दर्शक पूरा खचाखच भरे हुए हैं, और यहाँ पर ये कैमरे का सेटअप लगाया गया है। अब बस बहुत ही जल्द मैच चालू होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैटिंग करने के लिए बैट्समैन आ रहे हैं और फील्डिंग लगाने के लिए फील्डिंग लगना तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज NSCC का फाइनल का स्टार्ट होने जा रहा है हरियाणा वर्सेस मथुरा के बीच। अब यहाँ पर NSCC कप फाइनल मुकाबले की फर्स्ट गेंद फेंकी जाएगी, जो कि बॉलर बॉलिंग हेड पे और बॉलर की आप लोग रफ्तार देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बॉलिंग मार पे देख सकते हैं कितने स्पेड रुपए मैं, और इस गेंद को फिनिश कर बॉलर जो है कितनी स्पीड से कहा जाता था पीछे और एक विकेट जो कि क्लीन बोल्ड हुए हैं और दो बाउंड्री पहले ओवर में लगी हुई थी। अब देखिए क्या होता है, काफी अच्छा ओवर गया है पहला ओवर 8 रन एक ओवर फ्रेंड्स। बॉलिंग अपने दूसरे
ओवर के लिए मथुरा, जिसमें स्पिनर को लगाया गया है और एक रन आसानी से पूरा कर लिया हरियाणा के बल्लेबाजों ने। बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर, देखते हैं दूसरी गेंद पे क्या करते हैं। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद जिसपे कोई रन नहीं आ पा रहा है, काफी अच्छी गेंद स्पिन करा रहे हैं मथुरा के गेंदबाज। दूसरा ओवर की चौथी गेंद जिसपे बाउंड्री लगा और 13 रन हो गए हैं और 5वीं गेंद पे फिर कोई रन नहीं। और दूसरे ओवर की लास्ट बॉल फेंकते हुए बाउंड्री मिल गई है, दो ओवर होंगे। नुकसान पे हरियाणा का हुआ है। देखते हैं तीसरा ओवर बॉलिंग के लिए कौन आते हैं, छोर बदल दिया गया है। अब बॉलर अपना तीसरा ओवर और अपना दूसरा ओवर लेके चलता है और देखते हैं बैटमैन क्या करते हैं। यहाँ पर हल्का सा प्रेस कर दिया, कोई रन नहीं। कैमरे से नहीं बॉलिंग का एक्शन इनका देखिए कैसा है और सिंगल और ये देख सकते हैं क्या होगा और ये बाउंड्री लाइन के पार जान है। लाइट दिखाया जा रहा है फिर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर कितनी स्पीड से बॉलिंग करते हैं और बल्लेबाज रेडी नहीं थे। दो ओवर की पांच गेंद हो गई है, तीसरे ओवर की अब देखते हैं क्या करते हैं बल्लेबाज। काफी स्पीड से गेंद
देख रहे हैं बल्लेबाज क्या करते हैं, कोई और तीन ओवर की समाप्ति चौथे ओवर के लिए चल रहे हैं स्पिनर, देखिए क्या करते हैं ये बल्लेबाज। और यहाँ पे प्लेस कोई रन नहीं, बिना रन के संतुष्ट करना होगा। दूसरी गेंद देखिए बाहर क्या करते हैं, क्या करते हैं इसको अभी पांचवी गेंद अपने ओवर के लेके चलते हैं, पांच गेंद में एक रन आ रहा है, इसको देखते हैं क्या करते हैं। और इस ओवर में सिर्फ एक रन प्राप्त हुआ है, टोटल चार ओवर के चार ओवर में 23 करते हैं चार ओवर ये है हरियाणा के बदला गया है अपनी गेंद लेके पांचवें ओवर की दूसरी गेंद लेके चलते हुए देखते क्या करते हैं। पास शॉट लगाना चाहते थे लेकिन मिस हो गए। बल्लेबाज क्या करते हैं, चुरा गया है बल्लेबाज तैयार, देखते हैं क्या करते हैं। चौथी गेंद 25
पांचवें ओवर की चौथी गेंद और ये पांचवी गेंद बालक मालूम करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं बल्लेबाजी। हरियाणा के पांच चलते हैं दूसरी गेंद पे क्या करते हैं बल्लेबाज, कोशिश और यहाँ पर सिंगल ले लिया गया। तीसरी गेंद काफी अच्छी गेंद चलते हुए अरे मर जा निकल के जाए थे कोई पांचवी गेंद बल्लेबाज देखिए क्या करते हैं और इसमें मिस फील्डिंग के कारण एक है हो गया देखते हैं आराम से चक्कर में है और ले लिया बच्चे काफी अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे सात ओवर सात ओवर की समाप्ति पर 37 रन 38 रन और एक विकेट के नुकसान पे हरियाणा है। प्रतिभा काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाजी भी काफी अच्छी हो रही है अभी तक तो बल्लेबाजी कर लिया था और मथुरा को ऑफर किया गया और मथुरा आठवें ओवर के मिलत पर है, सात ओवर की समाप्ति पर 38 रन हुआ है। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है, बल्लेबाजी भी ठीक हुई है, बॉलिंग मार के देखते हैं बल्लेबाज क्या करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं।
इन्होंने चुरा लिया है। काफी आराम से खेल रहे हैं, विकेट बजा के खेल रहे हैं ये लोग, विकेट भी बजा रहे हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है वो लगता है कि 20 ओवर में 150 रन जाएगा। आप देखिए बॉलर अपने बालों में तीसरी विकेट लेते हैं और काफी खूबसूरत सिक्स, काफी अच्छी बैट का। आप अपने हाथों को खोलते हुए लाल दस प्रीमियर वहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विश हो गए हैं। बॉलर बल्लेबाज अपने हाथों को खोलते हुए और 49 रन हो गया 7 ओवर 4 गेंदों में 8 ओवर 4 गेंदों में। देखते हैं बॉलर 5वीं गेंद लेके चलते हैं, बल्लेबाज क्या करते हैं, काफी खूबसूरत शॉट और बाउंड्री लाइन पर बल्लेबाज ने अपना रन दिखाना चालू कर दिया है। लालगंज प्रीमियर में काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए विकेट बजा के खेल रहे थे और अब हाथ खोलने का मौका, और अब देखते हैं इस गेंद पे क्या करता है बल्लेबाज। बैक टू बैक सिक्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखिए कितने अंडरलास से एंजॉय कर रहे हैं। आठ ओवर की समाप्ति पे सब विकेट के नुकसान पे यहाँ पर विकेट भी बचाया और स्कोर बोर्ड को भी धीरे धीरे चलाया। काफी अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा के बल्लेबाज। आठ ओवर की समाप्ति पे एक विकेट के नुकसान पे 69 रन। अब देखते हैं क्या करते हैं मथुरा के कैप्टन, किस गेंदबाज के हाथ में कमान थमाते हैं, देखा जाए। छोर तो बदला जा चुका है, अब यहाँ बनने वाला है 9 ओवर की पहली गेंद को सिंगल निकाल लिया है। अब देखते हैं बल्लेबाज क्या करते हैं, 22 नंबर की जर्सी वाले ने बैक टू बैक उस ओवर में 8वें ओवर में बैक टू बैक 2 सिक्स 2 बाउंड्रीज वाले हैं। अब बॉलर देखिए बॉलिंग करने को तैयार, अब क्या करते हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया गेंदबाज ने। काफी सूझबूझ के साथ हरियाणा की बल्लेबाजी हो रही है। इस बार भी जिस हिसाब से चल रहे हैं काफी साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और बाजे गाजे के साथ इस मैच का स्वागत कर रहे हैं और फील्ड से चल रहा है। अब बल्लेबाज क्या करते हैं, इसमें भी कोई रन नहीं, 9 ओवर 4 गेंद 61 रन। समर्थ रहे और बाउंड्री लाइन के पार और बाजे गाजे के साथ एक चौके का शुरुआत। Yeah.
रन स्कोर पे हरियाणा की टीम को सेट करते हुए 10वें अपने आप देखते हैं क्या करते हैं। बल्लेबाज काफी सोच के साथ समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए जो जैसी है उस हिसाब से खेला है। 9 ओवर के पास हरियाणा की टीम बॉलर देखिए बॉलिंग मार्क तैयार काफी अच्छा है और इसमें बल्लेबाजी सिंगल रन काफी अच्छा खूबसूरत था सिंगल रन दूसरी क्या खूबसूरत है, काफी जबरदस्त, काफी तगड़ी फील्डिंग और अद्भुत कैच था, चमत्कारी कैच रूप में माना जाएगा इसको। तो बाद में रोका है, इसको लगता है चेकिंग करेंगे क्या। पेंडिंग में है आउट रहेंगे नहीं आउट है दूसरे के हो चुके हैं, बल्लेबाज आ रहे हैं, काफी अच्छा शॉट था और काफी अच्छा कैच फ्रेंड्स, काफी खूबसूरत कैच मथुरा के स्विमर ने लिया जो कि चोट होके खूबसूरत शॉट था, उससे कई जगह खूबसूरत कैच और चोट लग गया थोड़ा सा और वो ड्रेसिंग रूम में चले गए हैं। आप देखते हैं 10वें ओवर के तीसरे के NSCC कप में फेंकने में और काफी खूबसूरत शॉट और स्विमर द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है। तीसरी गेंद को चौथी गेंद को लेकर चलते हुए और फील्डर और कीपर द्वारा दोनों से मिस हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए बल्लेबाज 9 ओवर 14 गेंद और 67 रन हरियाणा के बल्लेबाज टीम शानदार शॉट और इसको फील्डर द्वारा आराम से कलेक्ट कर दिया जाएगा। काफी शानदार शॉट देखते हैं बल्लेबाज क्या करते हैं और हम आराम से सिंगल लिया है इस सिंगल के साथ 10 ओवर की समाप्ति पर 70 रन 69 रन 2 विकेट के नुकसान है हरियाणा गिरा है।
आराम से बचा लिया है। फील्डर दर्शक भरे हुए स्टेडियम बल्लेबाजी क्या करते हैं बल्लेबाज और 11 शुरुआत के साथ पहले दूसरी गेंद के साथ भाग देते हैं। गेंदबाजी फिर बराबर दूसरी गेंद आराम से लिया। पांचवी गेंद लेके चलते हैं। काफी अच्छे फील्डिंग के साथ एक वर्ष संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छे फील्डिंग द्वारा को बचाया। तो फ्रेंड्स 12 ओवर के समाप्ति पर 78 रन और 2 विकेट के नुकसान में काफी अच्छा फील्डर द्वारा लिया गया है तीसरी गेंद पे और हरियाणा का जो चौथी गेंद पे कोई रन नहीं। 13 ओवर की चौथी गेंद पे कोई रन नहीं हो पाया।
तो प्रेम खन्ना के 12 ओवर के 13 ओवर के समाप्ति पे 92 रन और 4 विकेट के नुकसान हुए। तो फ्रेंड्स 14 ओवर के पहले गए काफी खूबसूरत शॉट और कलेक्ट कर लिया गया। अब निश्चिंत खड़ा दर्शक आप लोग देख सकते हैं कितने खजा खर्चे भरे हुए हैं। तो फिर चले चलते हैं, देखते हैं 14 ओवर की दूसरी गेंद बल्लेबाज की। तो यहाँ पे हरियाणा 134/7 विकेट लिया और 900 ओवर प्रगत किसी कारण बस बीच में मैच नहीं दिखा पाया मैं। और NSCC कप जो लाल के द्वारा कराया जा रहा है काफी सफलतापूर्वक आज उसका फाइनल है। हरियाणा और मथुरा की टीम फाइनल पहुंची है। मथुरा और हरियाणा दोनों अभी तक कोई बढ़िया फील्डिंग कर रहा है। और इधर भाई साहब ये देखिए नीलांकर की तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अरे भैया जिसपे आराम से सिग्नल निकाल दिया है और यहाँ पर 134 रन 18 ओवर के 2 गेंद पे बोर्ड पे लग चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। हरियाणा के देखते हैं कौन सी टीम NSCC कप देखती है, NSCC कप को ले जाती है मथुरा की हरियाणा। और यहाँ पे फ्रेंड्स लालों के लिए सबसे इतिहास में गर्वान्वित होने की बात है।
देखते हैं हरियाणा कितना रन 20 ओवर में पहुंचा पाती है। अभी तो 19 ओवर की तीसरी गेम हो चुकी है जिसमें 136 रन के स्कोर पे खड़े हुए हैं और दर्शक देखिए कितना भर रहे हैं। भोपाल के जरा चार पांचवी गेंद देखते हैं बैट्समैन क्या करते हैं और यहाँ पर और चार हरियाणा यहाँ चार है समाप्ति पर हरियाणा जो कि 145 रन 7 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई है। आज के और अब दूसरी बार को देखते हैं क्या करते हैं और बल्लेबाज भी आगे करते हैं। यहाँ पर और 19 हो गए थर्ड ओवर के किसी लेने के लिए भेज दिया देखते हैं क्या होता है। चौथी गे और यहाँ पर बाद में लगता है अपने 20वें ओवर की फाइनल मैच एनएससीसी कप लाल गेंद द्वारा जो हो रहा है उसके लिए देखते हैं बल्लेबाज क्या करते हैं और चार
चार रन, लास्ट गेम में चार रन लगा है, इसी के साथ वो टोटल 20 ओवर समाप्ति पे 8 विकेट के नुकसान में 163 रन स्कोर बोर्ड पर लग गया है और 164 रन मथुरा की टीम को टारगेट दिया है। आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या आई हुई है और अब स्टार्ट हो चुका है NSCC कप लालगंज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्त्री क्रिकेट में, जो कि दूसरी पारी अब खेलने जा रही है। पहली पारी में हरियाणा ने 163 रन का लक्ष्य दिया है 20 ओवर में और अब देखते हैं हरियाणा क्या करते हैं। और यहां पर 3 ओवर की समाप्ति पे 20 रन और 1 विकेट हुआ है। काफी अच्छा हरियाणा भी मथुरा भी खेल रही है। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी गेंदबाज आपके बल्लेबाज के लिए है, टू बॉलर खेला है और खुद अपने बॉलर एक्शन में गेंद को फील्ड कर लेंगे। बॉलिंग एक्शन में परमवीर रन लेने का कोई अवसर नहीं, एक कई अभी भी स्कोर कार्ड चौथे ओवर की चार गेंद और अच्छी गेंद, इस बार गेंद को पूरी तरह से आने दिया, इंतजार किया आखिरी मोमेंट पर, खिलाड़ियों के साथ मोड़ा था और जब तक गेंदबाज चाहते गेंद को उठा दे, दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर था एक और रन लेने का। यहाँ पर तरीके दाएं और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन मैदान में है, ये देखिए NSCC कप के जो इनाम है सब रखे हुए हैं और ये कप जैसा हमने पहला दिन दिखाया ही था, आज ये कप किसके नाम होता है हम आपको अपने माध्यम से दिखाएंगे लाइव एक्शन बॉक्स चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर एक विकेट गिर चुका है, चार ओवर के समाप्ति पर 22 रन और 2 विकेट के नुकसान पर मथुरा ये टीम है। सेम सिचुएशन अभी हरियाणा की तरह ही है, चल रही है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर दर्शक आप लोग देख सकते हैं खचाखच पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। अब देखा जाता है कि लालगंज के इतिहास में धरती पर कौन इतिहास बनाता है, मथुरा या हरियाणा की टीम। और अभी तक तो फिट है बल्लेबाज, देखिए बल्लेबाजी करने में काफी अच्छा शॉट लगाए हैं। बाउंड्री लाइन पर जो बल्लेबाज का नाम अंकुर, उन्होंने बाउंड्री पार लगा दिया है मथुरा का। स्कोर में 4 रन और प्लस हो गया है टोटल 26 रन के स्कोर पे 2 विकेट के नुकसान पे चौथे 5वें ओवर की पहली गेंद। निगरानी होता हुआ मैच में बॉलर अपने बॉलिंग मार पर, देखते हैं बल्लेबाज क्या करते हैं। हिट हो गए इशारा अंपायर की तरफ से। अब 5वें ओवर की 5 गेंद पे 33 रन हुए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं लास्ट गेंद पे मथुरा के बल्लेबाज क्या करते हैं और हरियाणा के गेंदबाज क्या विकेट लेने में कामयाब होते हैं। देखिए गेंदबाज ये एक्शन और बल्लेबाज, उन्होंने तो छकाया कोई रन नहीं। 5 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन मथुरा के बल्लेबाज हुआ है, जिनको 164 रन बनाना है। फ्रेंड्स 6वां ओवर प्रगति पे है, अब गेंदबाज बॉलिंग में आकर अब देखते हैं बल्लेबाज क्या करते हैं। इन्होंने आराम से सम्मान दिया गेंदबाज को, देखते हैं लालगंज की धरती पे कौन फाइनल लेके जाता है। कहाँ गए बे? अब दर्शक दर्शक हो शांत है यार।
तो फ्रंट बॉलर चले बैट्समैन के लिए बल्लेबाज देखिए क्या करते थे, उठा के मारना चाहते थे लेकिन वो दूसरे साइड चला गया और फील्डर कवर कर लिया गया। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट गेंद देखिए क्या करते हैं, फिर से उठा दिया है और ये गेंद बाउंड्री लाइन पार, उससे 12 ओवर में 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर मथुरा। और ये देखिए कवर ड्राइव शॉट लगा दिया है और बाउंड्री लाइन के पार हो गया। नेक्स्ट बिग गेंद पे बल्लेबाज अब क्या करते हैं, देखा जाएगा मारने के साथ अपना विकेट गवा बैठे हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहे ओवर की दूसरी गेंद, 85 रन पे 6 विकेट के नुकसान पे हैं। देखते हैं क्या करते हैं, सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट गेंद पे देखते हैं क्या करते हैं बल्लेबाज, मारा और फील्डर पकड़ लिया गया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट गेंद पे इस पे क्या हो, इस बार उल्टा बैट रिवर्स स्वीप कनेक्शन बहुत ही शानदार रहा था उस्ताद भाई, लेकिन वही है ना कि गैप फ्रेंड्स 15 ओवर पर रहते हैं। देखते हैं क्या करते हैं वो गेंद बल्लेबाज और कीपर दोनों ने सर बाउंड्री रन। तो फ्रेंड 17 ओवर प्रगत पर है, 110 रन पे 8 विकेट हो गया। देखते हैं इस बार क्या करते हैं बल्लेबाज और यहां पर मारने का प्रयास और वो भी नहीं लगा। नेक्स्ट गेंद पे देखते हैं वो स्टंप आउट हो गए हैं काफी। तो फ्रेंड्स 19वां ओवर प्रगत पर है, मथुरा 110 रन पे 9 इस बार अच्छी गेंद मिस कर गए बल्लेबाज और ये 19वें ओवर की दूसरी गेंद इस पे क्या करते हैं और ये उठा दिया है। देखते हैं छक्का होता कि कैच और के नीचे फील्डर और यहां पर जीत का जश्न मनाते हुए यहां पर और फाइनल NSCC जो कप थी वो हरियाणा की टीम जीत गई है और मथुरा की टीम इस कैच से अपना लास्ट विकेट खोते हुए मैच को हार गई है। यहाँ पर NSCC का चैंपियन लाल गेंद जो कि हरियाणा की टीम हुई है। टीम हरियाणा जीत का जश्न मनाती हुई तमाम अभी चाहने वाले मैच। तो यहाँ पे आप लोग दर्शकों का हुजूम देख सकते हैं, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और ये मैच समापन से आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ढेर सारी जनसंख्या। UCPL मथुरा हमारे साथ जुड़ जाए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। ये टीम कैप्टन UCPL मथुरा, आपने देखा कि आज सुबह से मैदान पर एक फाइट चल रही थी, जंग चल रही थी चैंपियन बनने की और कहीं ना कहीं चैंपियन बनने से आप रह गए, क्या फीलिंग आ रही है इस वक्त सर? देखिए सामने वाली टीम काफी अच्छा करी और अच्छे खेले और मैच उन्होंने जीता है, बाकी हारने जीतने से किसी प्लेयर को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। हमारी टीम काफी अच्छी थी, आज हमारा दिन नहीं था और सामने वाली टीम की गेंदबाजी और बैटिंग अच्छी हुई, उन्होंने मैच जीता। ये हमारे साथ जुड़े हैं UCPL मथुरा टीम कैप्टन, सर क्या लग रहा है, कौन सा मोमेंट आपको लग रहा है जहां से आप मैच लूज कर गए? देखिए इस विकेट पे हमारे को जब हम पावर प्ले में हमारे दो बैट्समैन आउट हुए लेफ्ट आर्म के सामने, तो थोड़ा सा वहां से हमारे को रन भी हमारे हम स्कोर नहीं कर पाए और अपना एक्स्ट्रा विकेट भी फेंक दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा वहां पर प्रेशर हमारे में टीम आ गई। बाकी कई विकेट अनइवन खेल रही थी, इस पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा हमारी बैटिंग अच्छी नहीं हुई इसकी वजह से हम मैच हार गए। देखिए जब यहां से प्राइज सेरेमनी होगी, हमारे साथ खेल मंत्री जी जुड़ने वाले हैं हमारे पास, तब तक समय है कुछ बातचीत कर लेने का, क्योंकि उसके बाद फिर नॉन स्टॉप जो है प्राइज सेरेमनी चलेगी। और फिर एक बार आखिरी मैं पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से इस टूर्नामेंट में कहीं से कोई कमी रह गई? नहीं नहीं काफी अच्छा आयोजन था, बहुत लोगों का यहाँ पर सहयोग और प्रिंस भैया का बहुत बहुत आभार है, इस लालगंज वालों को सबको मानना चाहिए कि ये वहां से आकर के यहाँ पे इन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन कराया, जो आगे वाली जनरेशन जो लड़के मैचेस देखेंगे उनके अंदर जुनून होगा, जोश पैदा होगा और मैच खेलने के लिए कोशिश करेंगे। काफी लोगों का यहाँ प्यार है, जनता का यहाँ सहयोग है, किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहाँ के लोकल क्राउड, जो यहाँ पे उनको सहयोग मिला, काफी लोग काफी अच्छे दर्शक आए, अच्छी अच्छी टीमों ने पार्टिसिपेंट्स किया, हारना जीतना कोई मैटर नहीं लेकिन आयोजन बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा रहा। जी बिल्कुल शुक्रिया और मैं वापस आपको आवाज दूंगा, कॉल करूंगा। उससे पहले अगर यहाँ पर सम्मानित नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, आपने देखा कि जिस तरह से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पीछे कितना जनसंख्या है, खड़ा होने की जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमने आपको लालगंज NSCC का फाइनल का मैच दिखाया कि आप लोग भी घर बैठे देख सकें मेरे माध्यम से जो लोग हमको फॉलो करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।